अब्दुल रहमान भाई, आज आपने हम पत्रकारों को कॉल करके या दारुल फलाह मस्जिद के पास बुलाया है, क्या मुद्दा है, क्या बात रखना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मुद्दा ये है कि 26 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ था फ्लैग हॉस्टिंग का तनवर नगर में, तनवर कॉम्प्लेक्स में। तो उसमें कैसा था कि जितेंद्र अवार्ड जो MLA है वो फ्लैग हॉस्टिंग के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने इंटर होते के साथ ही जो है मासूम बच्चे भी थे वहाँ पे प्रोग्राम में, और कुछ मर्द और औरत भी थे। तो उन लोगों के जैसे ही इंटर हुए सीधा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए, और बल्कि एकदम और कोई इनका इरादा नहीं था, डायरेक्टली यही नारा लगवाए। तो हम लोग ने जब ये वीडियो वगैरह देखे, जब वो वायरल हो रहा था, उन नारों में ऐसा है कि शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती है। तो मैंने कैसा है, जो बच्चे थे, जो औरत और मर्द थे, वो मुस्लिम से जितने भी मतलब वहाँ पे लोग थे सब के सब मुस्लिम ही थे। तो हम लोगों ने जब वीडियो देखा तो उस पर हम लोगों ने मौलाना से मुलाकात की, तो दारुफ्ला के मुफ्ती साहब है उनसे भी फतवा लिया, और सुन्नी जमात के जो मुफ्ती साहब है उनसे भी फतवा लिया। तो फतवे में उन्होंने लिख के दिया है कि ये जो नारे हैं दोनों भी, ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, और इसको जाने में लगाओ या अनजाने में लगाओ इस्लाम से सीधा सीधा खारिज हो जाता है। तो उसमें और दूसरा मसला ये है कि जो शादीशुदा औरत और मर्द है ना, तो उनका निकाह भी टूट जाता है। तो फतवा ये है कि उनको रिटर्न मेहर दे के उसको रिटर्न से निकाह करना पड़ेगा। इतनी देर क्यों लगी आपको? इतनी देर इसलिए लगी ना क्योंकि कैसा है, एक तो फतवा लेने में हमको टाइम लगा, दोनों भी जमात के बड़े मुफ्ती से हम लोग फतवा लिए। दोनों मुफ्तियों को भी आकर के पूरी उम्मत को, पूरी कौम को ये बात बतानी चाहिए ना, आपकी जगह उनको खड़ा रहना चाहिए। नहीं देखो, हम लोगों ने काफ़ी उलमाओं से भी बात की है, काफ़ी जगह पे बात भी की है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं। एक्चुअली ये काम है जो उलमाओं का ही है। क्या क्या वजह है उलमा नहीं आ रहे आगे? अब वजह मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह होगी, ये उन लोगों से पता करना पड़ेगा। जिन उलमाओं ने ये फतवा जारी किया है वो उलमा भी सामने आकर बयान दे सकते थे ना? नहीं, आ तो सकते थे, लेकिन अभी उनकी कोई वजह होगी। ज़्यादातर देखो मेरी जहाँ तक राय है ना, ट्रस्टी इनका मसला है कि ट्रस्टी जॉब वगैरह से निकाल देते हैं अगर ऐसा कुछ मामला होता है, तो ट्रस्टी की वजह होती है। मामला पे तो आते हैं ना वो, इसमें भी आना चाहिए था। नहीं तो अब वो कैसा है, वो आते होंगे, लेकिन यहाँ पे इन लोग को आना चाहिए था। हम लोग ने काफी उलमाओं से बात करे और उन लोगों को रिक्वेस्ट भी करे कि आप लोग, कई उलमा कई मौलाना कारोबार में जुड़े हुए कैसा है, वही वजह दिख रही है। अब वो उलमा है तो मैं भी उनको ज्यादा कर कुछ करूँगा, लेकिन ये मसला उनको आना चाहिए था। आते हैं जो भी आपत्तिजनक नारे थे 26 जनवरी के, जो आपने कहा विधायक जितेंद्र अवार्ड आए और बच्चों से लगवाए, तो अब फतवा लेकर के आप खड़े हैं यहाँ पर। हाँ। जैसे आपने कहा कि ये नारा लगाने पर इस्लाम से खारिज है, तो क्या कहना चाहोगे तमाम मुसलमान? मैं तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो दो नारे है, तो ये सब जो नारे है इससे एकदम बच के रहना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी जय भीम जय भीम के भी नारे लगवाते, फिर उसको क्या कहा जाएगा? अब उसको तो मुझे नहीं पता, उसका फतवा निकालना पड़ेगा मुझे। है ना? हाँ वो तो है, खुद मीम की जय। हाँ अब वो पता करना पड़ेगा क्या मतलब की जय नहीं है ना, बराबर सही बात। उस पे क्या कहा जाएगा? उस पे अभी मुझे नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा मौलाना से, क्यों मैं तालीम नहीं रखता उसमें। तो मुझे जो चीज़ गलत लगी, तो जो चीज़ है, अपील है आप? मेरी अपील यही है कि जो जो ये सब नारे आज तक के लगाए हैं मुसलमानों ने, और जो उस प्रोग्राम में भी नारे लगाए थे, तो उन लोग अपने अपने आलिमों के पास जाके, मुफ्ती साहब के पास जाके एक मसले का हल निकाल के वापस से कलमा पढ़े और मेहर के साथ जो है निकाह करे, और जो 7 साल या उसके ऊपर के बच्चे उन लोग के ऊपर भी तौबा फ़र्ज है। और दूसरी बात है कि तौबा जो है वो भी ऐलानिया होगी, ये मुफ्ती साहब ने लिख के दिए, क्योंकि गुनाह ऐलानिया है। ठीक है, और एक मसला ये है कि जो जितेंद्र अवार्ड जो MLA है वो ये जो हरकत कर रही है बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे पहले भी अपना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने अनाप शनाप बका है। तो ये अचानक से इनको क्या हो गया, ये जो सेकुलर बोलते थे इनको अचानक हो क्या गया जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आज तक के तो ये सब हुआ नहीं है कभी, तो आज ऐसा क्यों हुआ? ये ऐलानिया तौबा की आप बात कर रहे हो, एक पेपर उन्होंने दे दिया, उसमें लिख दिया, तो आपको लगता है कि उनके इस पेपर के बलबूते पे कुछ होगा एक्शन, या कुछ लोग उसका ध्यान देंगे, मानेंगे उसको? देखो हमें फिक्र थी अपनी उम्मत की, तो हम लोग ने जो है उलमाओं का आगे करने का सोचा, लोग नहीं आए तो हम लोग ने आके ये अवेयरनेस के तौर पर, एक अवेयरनेस के तौर पर कि भाई जिन लोगों से गलती हुई है वो तौबा कर ले और वापिस से जो है प्रोसेस में आ जाए। आप लोग पहले या अभी किसी संगठन से जुड़े हैं? नहीं, हम लोग अभी फिलहाल तो हम लोग एक आम तौर पर ही खड़े हुए हैं यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है।